हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है द नाइट एजेंट। ये एक नेटफ्लिक्स में सीरीज़ है जिसका 10 एपिसोड्स आया है। पहला सीज़न है ये और हो सकता है दूसरा सीज़न भी आए। अगर ना आए तो भी ये एक हैप्पी एंडिंग ही आप कह सकते हो। तो आइए इसकी कहानी जानते हैं। ये जो लड़का आप देख रहे हो पीटर, इसी के ऊपर जो है पूरा सीरीज़ बनाया गया है। तो दिखाया जाता है काफ़ी पहले एक ट्रेन में कोई आदमी बॉम्ब रख के चला जाता है और पीटर को वो पता चल जाता है। तो पीटर वो बॉम्ब ब्लास्टिंग होने से रोक लेता है, मतलब सबको ट्रेन से सेफली बाहर निकल लाता है। और उसके बाद जो है इसको एक नाइट एजेंट की ड्यूटी पर रखा जाता है, जहाँ पर जितने भी एजेंट्स हैं वो अगर किसी भी एमरजेंसी में पड़े तो वो कॉल करते हैं। और तभी एक रात कॉल आता है रोज़ का, जो कि सीरीज़ की हीरोइन है। तो रोज़ के अंकल और आंटी जो है उनका मौत हो जाता है, किसी ने उसको मार देता है। और उसके अंकल जो है रोज़ को कहते हैं कि इस नंबर पे कॉल करके प्रोटेक्शन भेजने के लिए। तो जब वो कॉल करते हैं रोज़ को कुछ भी पता नहीं होता है और रोज़ की सेफ्टी की जिम्मेदारी होता है पीटर के ऊपर। फिर दोनों काफ़ी दौड़ लगाते भागते हैं, लेकिन जो है गुंडे जो होते हैं वो इनके पीछे पड़े हुए होते हैं इनको मारने के लिए। तो काफ़ी सारे कोशिशों के बाद जब ये लोग बचते हैं, उसी के साथ साथ ये लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों उसके अंकल आंटी का मौत हो गया है और कौन लोग हैं उनके पीछे। और ये सब पता करते करते ये लोग इतना डेप्थ में पहुंच जाते हैं कि बात जो है प्रेसिडेंट तक पहुँच जाती है। मतलब इसमें जो एक्चुअल विलन है वो काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि पावर और फेम और सब कुछ के लिए ये सब करवा रहे थे। और इसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जो प्रेसिडेंट आ जाती है। और बहुत ज़्यादा एक्शन और थ्रिलर है इसमें। जितने भी कैरेक्टर्स हैं बखूबी उनको मतलब डिज़ाइन किया गया है और सब एक से एक बढ़ के कैरेक्टर है। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।